क्वेश्चन नंबर 39, साइक्लिक एस्टर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके यू बनाता है। आप जानते हैं जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो एस्टर यहां से टूट जाएगा और हम लोगों को दोनों तरफ एल्कोहल मिल जाएगा। तो यहां पर हमको मिलता है इस जगह CH2OH, CH3OH, इन दोनों जगह CH2OH और CH2OH मिल जाता है। इसको देखा हमने U। सबसे पहले आप ये देखिए, उसने T के बारे में बात की है। T इज सोल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि एस्टर है, इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा जब आप एक्वस NaOH लेके चलेंगे, दैट टू हॉट। तो इस वजह से T विल बी सोल्युबल इन हॉट एक्वस NaOH क्योंकि ये रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ में। उसके बाद अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये हमको U मिला। U के बारे में उसने कहा क्या U ऑप्टिकल एक्टिव है, हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर कोई भी कायरल एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप इसमें सेम हो जाते हैं जो कि पहले सेम नहीं थे। तो पहला वाला आंसर सही है, दूसरा वाला आंसर गलत है। अब हम सी पर आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ W। W हमको कब मिल रहा है, जब हम U की रिएक्शन कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, और जब आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज SN2TH रिएक्शन, SNAC रिएक्शन। इसको देखते हैं आप तो यहां पर एसाइलेशन होता है, वो माइनस जो बैक पोलराइजेशन करके लीविंग ग्रुप को निकाल देता है। तो आपके पास जितने भी एल्कोहल ग्रुप हैं वहां पर एसाइल ग्रुप लग जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं एसाइलेशन। आपने जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया तो दैट कम्स C10H18 and O4, तो इसीलिए ये सी ऑप्शन भी सही है। फिर हम बात करते हैं कि V के बारे में, और V हमको कब मिलता है, जब हम U की रिएक्शन करते हैं या ऑक्सीडेशन करते हैं। जब हम U का ऑक्सीडेशन करेंगे तब हमको V मिलेगा, और प्राइमरी एल्कोहल का अगर आप पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर एल्कोहल की जगह आपको मिलेगा एसिड। और वो आपसे यही बात पूछता है कि V की रिएक्शन जब आप एक्वस NaHCO3 के साथ करेंगे तो क्या वो एफर्वेसेंस देगा, और वो एफर्वेसेंस देगा डेफिनेटली क्योंकि NaHCO3 के साथ रिएक्शन जब आप करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और हमको मिलेगा कार्बोनिक एसिड जो हमको देगा CO2 की एफर्वेसेंस। तो इसीलिए D ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर है A, C।